का कारोबार बंद कराया है, चल कराया है, तो मेरे वही मुसलमानों की वजह से चल कराया है। रात पूरे नमाज का के अंदर अगर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने एकजुटी का सबूत देकर एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है, तो मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद के नौजवानों का जिन्होंने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है कि जहां पर पूरे मुल्क के अंदर एक लहर चल रही थी मोदी 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 की लहर, तो मेरे शहर में लहर चल रही थी मजलिस मजलिस और मजलिस की लहर चल रही थी। आज इसी इतिहास की बुनियाद के ऊपर हम इस शहर में आगे का सफर तय करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है ये इतिहास को तोड़ने के लिए हमें गैरों की जरूरत नहीं है। ये इतिहास अगर हमारे आज पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है और पूरे मुल्क के मुसलमान सलाम करते हैं औरंगाबाद के नौजवानों को, उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आज कैसी कैसी साजिशें इस शहर में खेली जा रही है। कोशिश सिर्फ यही है कि मजलिस को यहां पर कैसे तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, लेकिन कसम है खुदा की तुम जितनी कोशिश करेंगे मजलिस को दबाने की, इंशाल्लाह मजलिस उतनी ताकतवर बनकर खड़ा है। तुम जितनी कोशिश करेंगे मजलिस को कुचलने की, इंशाल्लाह मजलिस और ताकतवर बनकर खड़े रहेगी। हमने देखा है, हमने देखा है इसी शहर के अंदर कैसे कैसे लोगों ने हथकंडे अपनाए, कोशिशें की कि नहीं ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, ये एकजहती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि घर से निकलने वाला नौजवान हो, हमारी माएं हो, हमारे बुजुर्ग हो, जितने भी लोग घरों से निकले तो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं निकले। इम्तियाज जलील अगर जीता है तो सिर्फ वोटों की वजह से नहीं जीता है, मेरी माएं और बहनों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे भाइयों की दुआओं की वजह से मैं जीता हूँ। और तुम क्या समझ रहे, समझ पा रहे हो? देखिए, जब तक हम है तो हम है, बाकी सब पानी कम है। ये जमात अगर चलती है तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये जमात अगर चलती है तो कान खोल के सुन लो, किसी इम्तियाज जलील की वजह से नहीं चलती है, मेरे ख्याल फिर स्टार असद की वजह से चलती है। ये जमात की अगर कोई पहचान है, ये जमात की अगर कोई ताकत है, तो मेरे ख्याल फिर स्टार असद की वजह से है। ऐसे कितने 56 आएंगे और 56 जाएंगे, आए अच्छे अच्छे आए अच्छे अच्छे गए, लेकिन 6.4 इंच का मेरा शेर वहीं डटकर खड़ा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूं, एक ऐसा इतिहास जिसकी मिसाल आज पूरे हिंदुस्तान में ली जाती है,
एक ऐसा इतिहास जिसे देखकर पूरे मुल्क के लोग पूछते हैं, या फिर ये मौजूदा कैसे हो गया। पूरे मुल्क में भाजप चल रही थी, औरंगाबाद से मजलिस कैसे निकल गया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि लोकसभा को एक झांकी है, अभी विधानसभा में पूरी पिक्चर आना बाकी है। बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा दिल से मत लीजिए, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। 21 तारीख के दिन हो गए अलग अलग, गले में मफलर किसी और का भी होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर असद भाई, हम आपको वादा करते हैं कि 3 आमदार दोबारा इस शहर आपको देगा, बाकी एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी पार्टी कोई भी जमात कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है जब तक तुम अपने खायब को खायब नहीं मानते। अगर मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किसी सड़क चलते आदमी के ऊपर हाथ रखते था और ये कहता कि ये है तुम्हारा कैंडिडेट, तो पूरे शहर के साथ सबसे अगर कोई रिक्शा वाले पर हाथ रखता, कोई ट्रेन पटरी वाले पर हाथ रखता और कहता कि अब ये चुनाव लड़ेगा अंदर की का, तो पूरा शहर के साथ नहीं कहते हैं। ये वो है जो सबसे ज्यादा है, ये पार्टी। मैंने जैसा आपको कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से चलती है, और हम एक अपना सा सिपाही है। असद साहब का दर्जा हमारे लिए क्या है, सुनो एक बार, कान खोल के सुनो। ये इंतिया जलील औरंगाबाद का खासदार इंतिया जलील एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि मेरे खायब ने अगर अभी मुझे हुक्म दिया कि रिजाइन करो तुम एमपी पद से, एक सेकंड नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा खायब है, एक सेकंड नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोई ये समझेगा, नहीं ऐसे शख्सियतें आएंगी और जाएंगी। अगर कोई सबसे ताकतवर है जिसको हम मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खायब असदुद्दीन अवैसी साहब है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप पूरे मुल्क में ये कोशिश हो रही है कि औरंगाबाद ने जो मुकदमा करके दिखाया है वो मोदी को दोबारा नहीं होने देना। दोस्तों, आज ये वो जमात है जिसके साथ अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के लोग जुड़ रहे हैं। आज ये जमात है जो असद साहब को अपना खायब मान रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दलित समाज मान रहा, धंगा समाज मान रहा, मातम समाज मान रहा। वो कहते हैं अगर मुल्क के अंदर कोई है जिसके पीछे हमें जाना है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कोशिशें होती रहेगी हमें तोड़ने की, हमें बिखेरने की, हमें बांटने की, लेकिन इंशाअल्लाह इसी मैदान के ऊपर असद साहब आपको दोबारा यहाँ आना होगा, क्योंकि इस बार जश्न बप्पा खाली मनाया जाएगा, जश्न नाशे सिद्दीकी मनाया जाएगा, बाकी जितने हैं जो चाहे कर लो, जो चाहे करते कर लो। ये हम किसके पीछे है अगर देखना चाहते हैं तो देख लो। मैं नारा लगाऊंगा,
अच्छा साहब के साथ कितने लोग हैं, हाथ ऊंचा करके मेरे साथ नारा लगाइए, नारे अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे गए।